दोस्तों नमस्कार। आज बरेली का बाजार बंद 15 दिन करने के मुद्दे पर कुछ व्यापारिक संगठनों ने कल एकता की थी, एका किया था, बैठक की थी और बाद में जिलाधिकारी से मिलकर एक तर्क भी दिया था। कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का संक्रमण जिस तेजी से बढ़ रहा है, 15 दिन बाजार बंद करना बहुत जरूरी है, शायद इससे कोरोना का संक्रमण रुक जाएगा। लेकिन वहीं ध्यान नहीं रखा कि छोटे मोटे दुकानदार, फड़ पर काम करने वाले लोगों के परिवार कहां से पलेंगे, उनके पेट के लिए रोटी का इंतजाम कहां से होगा। इस छोटी सी बात का ध्यान न रखने का ही नतीजा है कि उनके अपील को व्यापारियों ने लगभग खारिज कर दिया है। बरेली के बाजार खोले हुए हैं, हम आपको दिखा रहे इलेक्ट्रॉनिक बाजार रोडवेज के सामने दुकानदार लगातार अपना बाजार खोले हुए हैं, खरीदारी चल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो रहा है, कारोबार भी चल रहा है। इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे बरेली के शामतगंज किराना बाजार, वहां का भी नज़ारा दिखाएंगे कि 15 दिन बाजार बंद करने की अपील का क्या हश्र हुआ, दुकानदारों ने क्यों नहीं बंद की बाजार। ये तस्वीर आप मेरे कैमरे की नज़र में देख रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि कोरोना वायरस के दौरान दुकानें अगर 15 दिन और बंद कर दी गई तो शायद उनका व्यापार और चौपट हो जाएगा। जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। एक तरफ का बाजार प्रशासन की गाइडलाइन के हिसाब से बंद है तो वहीं रोडवेज इलेक्ट्रॉनिक बाजार का दूसरी पटरी गुलजार है। एक दूसरी तरफ की बाजार खुला हुआ है, एक तरफ का जरूर बंद है। रोडवेज इलेक्ट्रॉनिक बाजार का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ कैमरे की नज़र से। बंद हो जाता तो क्या ठीक था, क्या कहना चाहोगे आप? भूखे मरने ही नौबत आ जाती है। देखिए फड़ कारोबारी कह रहे हैं कि भूखे मरने की नौबत आ जाती, भोलेनाथ वेज बिरयानी वाले, अगर दुकानें बंद कर दी जाती। हुआ है रोडवेज का इलेक्ट्रॉनिक बाजार भी बंद करने का बाजार आह्वान जरूर कुछ संगठनों ने मिलकर किया था, लेकिन कितना असर हुआ है रोडवेज के बाजार पर ये मेरे कैमरे की नज़र में आप देख रहे होंगे। पूरे का पूरा बाजार इलेक्ट्रॉनिक का खुला हुआ है। दीप इलेक्ट्रिकल्स देख रहे हैं, इसके अलावा और इलेक्ट्रिकल मार्केट देख रहे हैं, सब मार्केट खुले हुए हैं। कहीं कोई बंद का असर फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है बाजारों पर। अच्छी तरह से हाथ धोते रहे, देखिए लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट चल रहा है, सैनिटाइज करते रहे। दुकान स्वामी अपनी दुकानों पर सैनिटाइजर रखें, दुकान में भीड़ इकट्ठी ना होने दें, सभी दुकान स्वामी मास्क धारण करके रहे। और देखिए इस अनाउंसमेंट के जरिए कोविड 19 के प्रति सचेत किया जा रहा है और पूरा बाजार टाउन हॉल का भी खुला हुआ है। जिला अस्पताल रोड पर ये पूरा बाजार है और यहाँ पर अनाउंसमेंट से बाकायदा सचेत किया जा रहा है। ठेले वाले भी खुश हैं कि कम से कम बाजार बंद नहीं हुआ। इंदिरा मार्केट पर भी बंद की अपील का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ तक कि फड़ पर भी रौनक है, फड़ पर भी लोग सामान खरीद रहे हैं, साथ ही इंदिरा मार्केट में भी लगातार खरीदारी जारी है। यानी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दुकानदारों ने खारिज कर दिया 15 दिन बाजार बंद करने का फैसला। व्यापारी सहमत रही हैं, व्यापार ज़्यादा जरूरी है, कोरोना वायरस संक्रमण का भय दिखाकर जो बाजार बंद करने की बात हो रही थी उसका कोई असर बरेली में दिखाई नहीं दे रहा है, खासतौर से इंदिरा मार्केट के इस बाजार पर।